एक कप सूजी और बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ करके आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी अप्पे, जो कि मात्र 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। ऊपर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अप्पे तैयार करने के लिए एक बोल में हम डालेंगे 1 कप जितनी सूजी। जितनी मैंने सूजी ली है सेम हम लेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली थी, तो मैंने 1 कप जितना दही लिया है। आप चाहें तो इसमें आधा कप दही का यूज़ करके भी इसे बना सकती हैं। अभी हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अप्पे बनाने के लिए अगर आप हो सके तो थोड़ी खट्टी दही यूज़ करें, इससे अप्पे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। सूजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी को सोखती है, तो इसके लिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी और डाल देंगे, ताकि जब हम सूजी को थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए रखें तो सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इस सूजी को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा टाइम बाद आप चेक करेंगे सूजी का जो बैटर है वो फूल का तैयार हो गया है और पहले के कंपैरिजन में हल्का थिक हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हल्का सॉफ्ट बैटर तैयार करेंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस बैटर को हल्का सॉफ्ट करेंगे। हमें इसके लिए जो बैटर है वो ना तो ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके का बैटर चाहिए हमें। अभी हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई गाजर, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें, काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना ये चाट मसाला। अभी सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितना ही मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सोडा डालने के बाद हमें इसे एक डायरेक्शन में मिक्स करना है, जिससे हमारा जो अप्पे का बैटर है वो हल्का फ्लफ़ी बनेगा। इससे हमारे जो अप्पे हैं वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं खाने में। अभी हमारा अप्पे का बैटर तैयार है। अभी हम इसके लिए तैयार करेंगे एक बहुत ही सिंपल सा तड़का, जिसके लिए एक तड़का पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच जितना देसी घी। घी को हल्का गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जितनी ये राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 ही मीठे नीम के पत्ते, जिसे हल्का सा तोड़ लिया है मैंने। इसे हल्का सा भूनेंगे इसमें, और अभी हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस पूरे तड़के को इस सूजी के बैटर में डाल देंगे। इसमें ये हल्का सा तड़का लगाने से हमारे जो अप्पे का टेस्ट है वो अंदर से बहुत ही अच्छा आता है। तो डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अभी हम चलते हैं अप्पे बनाने की तरफ। अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये अप्पे स्टैंड लिया है। अप्पे स्टैंड को हल्का सा नीचे से घी से ग्रीस करेंगे। मैं इसमें ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम इसे थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं। अगर आप इसे ऑयल फ्री बनाना चाहती हैं तो बिना ऑयल ग्रीस किए भी आप इसे बना सकती हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी थोड़ी ये राई के दाने, जिससे अप्पे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। राई को हल्का सा चटकने देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे अप्पे का बैटर, तो इसे बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, क्योंकि अभी ये फूलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो यहाँ इस तरीके से मैंने अप्पे का बैटर इसमें फिल कर दिया है। अब हम इसे जल्दी से कवर कर देंगे और इसे एकदम धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे अप्पे काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो अभी हम दूसरे साइड से भी इस पर थोड़ा सा घी ग्रीस करेंगे। याद रखें, अगर आप इसे ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं तो ऑयल का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ आप इसे ऑयल में भी बना सकती हैं या फिर चाहें तो ऑयल फ्री भी बना सकती हैं। हल्का हल्का घी से ग्रीस करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो घी की जगह इसमें बटर भी यूज़ कर सकती हैं। अभी हम इन अप्पों को दूसरे साइड से भी पलट देंगे, जिससे इसमें दूसरे साइड से भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा। याद रखें, अप्पों को पकाते समय हमेशा गैस के फ्लेम को एकदम धीमा रखें, जिससे अप्पे जो हैं वो अंदर तक सिकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी अप्पे को पलट दिया है।
अभी हम इसे वापस से कुछ सेकंड के लिए कवर कर देंगे और दूसरे साइड से भी हल्का सा सिकने देंगे। तो अभी हमारे अप्पे सिककर तैयार हैं। बस अभी आप इन अप्पों को गर्मा गर्म सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसे सांभर के साथ, टमाटो केचप के साथ या चटनी के साथ, जिसके भी साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ सर्व करें। तो जब भी आपको नाश्ते में समझना आए कि क्या बनाना है, तब आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती हैं, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।